हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एल जी आर स्टडी आई टी आई पॉलिटेक्निक एंड पारा मेडिकल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 7 नंबर वीडियो है। इस तरह का 6 वीडियो दोस्तों ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आप उस सभी 6 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का जो दोस्तों फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। चीन के अंदर जो है लाल क्रांति कब हुई थी, तो आपको बता दें कि 26 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि वर्ष 1949 ईस्वी में दोस्तों आपको बता दें कि लाल क्रांति हुई थी। अब बात है कि लाल क्रांति है क्या, क्यों लाल क्रांति हुआ, तो आपको बता दें कि चीनी जो साम्यवादी नेता थे माओ त्से तुंग, याद रखेंगे आप उसका नाम, माओ त्से तुंग ने लोकवादी गणतांत्रिक चीन की स्थापना की घोषणा कर दी। उसने कहा कि भाई अब चीन के अंदर क्या होगा, लोकवादी गणतांत्रिक जो व्यवस्था चलेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो घोषणा है 1 अक्टूबर 1949 को की गई थी, लेकिन इसके कारण हुआ क्या कि चीन की साम्यवादी दल, चीन में जो साम्यवादी दल था उसके, और कोमितांग पार्टी चीन में था दोस्तों, कोमितांग पार्टी में व्यापक स्तर पर युद्ध छिड़ गया। ऐसी घोषणा करने के बाद वहाँ पर युद्ध छिड़ गया दो पार्टी के बीच में, और इसी संघर्ष को दोस्तों हम लोग लाल क्रांति के नाम से जानते हैं। चीन के अंदर कब हुआ था, तो 1949 ईस्वी। इस तरह से हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि अधिक से अधिक बातें हमें समझ में आ सके। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सारे चीज़ों को ध्यान से सीखते रहिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है कि फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई। फ्रांसीसी क्रांति जो है किसके शासनकाल में हुई थी, तो आपको बता दें यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो 27 का सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों लुई सोलहवां के समय में फ्रांस में दोस्तों क्या हुआ था, क्रांति हुआ था। अगर बात किया जाए कि फ्रांस में यह क्रांति कब हुआ था, तो आपको बता दें कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 से लेकर 1799 तक चली थी। 1789 से लेकर के 1799 तक जो है फ्रांसीसी क्रांति चली थी, और किसके समय में, तो लुई सोलहवां के समय में चली थी, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जीके के अंदर डेट बहुत मायने रखता है, और डेट वाला क्वेश्चन बच्चे को अटपटा सा भी लगता है और अधिक क्वेश्चन डेट वाला ही पूछा जाता है, इसलिए आपको डेट पर बहुत ही अधिक नज़र डालना होगा, क्योंकि अच्छा करना है तो मेहनत तो करना होगा आपको। 28 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। निकटतम ग्रह का मतलब है सबसे नज़दीक, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है, सिंपली ये आपको बताना है। तो आपको बता दे कि ये आपका क्या है दोस्तों, सूर्य है, और सूर्य के जस्ट पास में है दोस्तों बुध, ये कौन है, बुध है, और बुध के बाद दोस्तों आपको बता दे कि शुक्र है, कौन है, शुक्र है, और शुक्र के बाद तीसरा नंबर पर दोस्तों पृथ्वी है, तीसरा नंबर पर कौन है, पृथ्वी है। तो इस तरह से आपने जो यहाँ पर आपने फिगर देखा, इसमें आपको पता चला कि भाई जो पृथ्वी है वो दोस्तों शुक्र के नज़दीक है, किसके नज़दीक, शुक्र के नज़दीक है। तो 28 का जो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जो पृथ्वी के निकटतम है, तो शुक्र जो है पृथ्वी के निकटतम ग्रह, सबसे निकट का ग्रह है, और इसीलिए दोस्तों आपको बता दें कि शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहते हैं, पृथ्वी का बहन कहते हैं, और दूसरी बात शुक्र को दोस्तों सुबह का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। और शुक्र से रिलेटेड एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना आपको कि शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, आप याद रखेंगे एक भी उपग्रह नहीं है। और अगर पृथ्वी के बारे में बात किया जाए तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, याद रखिएगा, आप सभी को पता होगा चांद, क्या दोस्तों, चांद जो है वो एक उपग्रह है, किसका, पृथ्वी का, पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी डॉट डॉट पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी जो है 29 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, डी होगा, वो क्या होगा, डी होगा, यानी कि अंडाकार,
पथ पर। जो आपका सूर्य है, आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि सूर्य जो ये है इसके चारों तरफ अंडाकार पथ पर पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमा करती है, न कि वृत्ताकार पथ पे। वृत्त अलग है और अंडा अलग है, तो अंडाकार पथ पे परिक्रमा करती है पृथ्वी। और आपको बता दें कि पृथ्वी में दो प्रकार की गति है, एक तो परिक्रमण गति और दूसरा दोस्तों घूर्णन गति। एक परिक्रमण गति है, दूसरा क्या है, घूर्णन गति है। परिक्रमण गति किसको कहते हैं, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसे दोस्तों परिक्रमण गति कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर दोस्तों चारों तरफ घूमती है, इसको दोस्तों घूर्णन गति कहते हैं। और याद रखिएगा कि परिक्रमण गति के कारण कारण जो है मौसम में परिवर्तन आता है। परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है और घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। दिन और रात किसके कारण होता है, तो घूर्णन गति के कारण होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका तीस नंबर जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि बरमूडा त्रिभुज अवस्थित हैं, बरमूडा ट्रायंगल। आपको बता दे कि जो 30 का सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का दोस्तों एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है, त्रिभुजाकार जगह है बरमूडा ट्रायंगल, जो एक रहस्यमय जगह है। रहस्यमय जगह कहने का क्या मतलब है, आपको बता दें कि बरमूडा ट्रायंगल जो है एक रहस्यमय जगह इसीलिए है क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस होकर के कोई भी जहाज, पानी जहाज हो या फिर वायुयान हो, जो गुजरती है वो पता नहीं चलती है कि कहाँ चली जाती है, मतलब यहाँ पर जाने के बाद लुप्त हो जाती है। मतलब यह एक रहस्यमय जगह बना हुआ है और आज तक किसी ने यह पता नहीं लगा पाया कि आखिर इससे होकर गुजरने वाली जहाज या फिर कोई भी वस्तु पता क्यों नहीं चल पाती है, मतलब कहाँ जाती है इसका पता क्यों नहीं चलता है। तो यह एक रहस्यमय जगह बना हुआ है बरमूडा ट्रायंगल, याद रखेंगे बरमूडा त्रिभुज जो है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है, महाबली गंगा जो है किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो 31 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, श्रीलंका। याद रखिएगा कि गंगा जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है और महाबली गंगा जो है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। और अगर लंबाई पूछा जाए श्रीलंका में तो आपको बता दें कि 335 किलोमीटर, आप याद रखिएगा महाबली गंगा का लंबाई कितना है, 335 किलोमीटर है। और महाबली गंगा जो है सतत बहती है, वाहिनी है, मतलब हमेशा बहती रहती है, जैसे गंगा बहती है एनी टाइम, उसी तरह से महाबली गंगा भी दोस्तों बहती है, ये आप याद रखेंगे। गंगा का लंबाई कितना है आप लोग कमेंट में लिखेंगे। महाबली गंगा का हमने लंबाई बता दिया 335 और गंगा के लंबाई कितनी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, तो गंगा का लंबाई आप लोग कमेंट में लिखेंगे, देखते हैं कितने स्टूडेंट का आंसर आ पाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो 32 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा है, ये आपको बताना है। तो 32 का जो दोस्तों सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यानी कि नाथुला एवं जैलेपला दर्रा, नाथुला एवं जेलेपला दर्रा जो है वो आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम राज्य में कहाँ पर है, सिक्किम में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपका 33 नंबर आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रदेश विभाग स्थित है, कौन सा प्रदेश विभाग स्थित है किसके बीच, तो सतलज और काली नदी के बीच में। तो यहाँ पर 33 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, यानी कि कुमाऊं हिमालय, कौन सा दोस्तों, कुमाऊं हिमालय यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 33 के बाद हम चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ पर है आपसे पूछा जा रहा है 34 नंबर क्वेश्चन के द्वारा, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र तीन राज्यों में समाहित है, ये तीन राज्य हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल आप लोगों को पता होना चाहिए कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल, और जिसमें से 30% भारत के तीन राज्य ही दोस्तों ऑक्यूपाई करती है, मतलब भारत के तीन राज्य के अंदर ही समाया हुआ है 30% क्षेत्रफल। तो वो तीन राज्य कौन है ये आपको दोस्तों बताना है।
तो आपको बता दें कि 34 का जो सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही सही होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र मिल करके देश का 30% क्षेत्रफल ग्रहण करती है। और आपको इसमें आपको डिटेल अगर देखा जाए तो आपको बता दें कि राजस्थान जो है उसका सबसे अधिक क्षेत्रफल है 34/22/39, यानी कि 34/22/39 सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो दोस्तों राजस्थान है, और इसका क्षेत्रफल है 34/22/39 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर दोस्तों मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल अगर आप याद करना चाहें तो याद रखेंगे कि 24/32/86 आप याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का क्या है क्षेत्रफल है। और वहीं अगर महाराष्ट्र का देखा जाए तो 30/77/13, याद रखेंगे 30/77/13 वर्ग किलोमीटर जो है, वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है, महाराष्ट्र का। ये तीनों का आप याद रखेंगे, और ये तीनों 1, 2, 3 नंबर पे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन के द्वारा दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि कार्डामम पहाड़ी कहाँ स्थित है। कार्डामम पहाड़ी जो है आपको बता दे कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही होगा, यानी कि केरल में। कहाँ दोस्तों, केरल में है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।